खबर बुरहानपुर से, जहां पर जिला हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है और हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ भी की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कर हंगामा शांत कराया। बता दें कि महिला 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों को रिश्वत न देने के चलते ही महिला की मौत हुई है। एनेस्थीसिया डॉक्टर की अनुपस्थिति में अन्य महिला डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद प्रसूता और पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का। क्या है आज तक के सिर्फ जो पैसे देता है उसका इलाज होता है, जो पैसे नहीं देता उसको मार डाल दे। क्या मामला हुआ? बच्ची को भर्ती करे दवाखाने में, 2 दिन हो गए, 2 दिन में उन्होंने कुछ भी नहीं करे, बस बोले खंडवा भी जाओ, फिर बोले रोक लो सून का इंजेक्शन देने। मैडम आ रही है 6 बजे, मैडम आई नहीं कुछ 6 बजे इंजेक्शन देने। दूसरी मैडम ने कोई इंजेक्शन लगाया और बच्ची मर गई और पेट में उसके बच्चा ही मर गया। मतलब क्या मांग, क्या पैसे कुछ मांगती मैडम? पैसे क्या, वो तो डायरेक्ट बोलती है ना कि हमको पैसे दोगे तभी सीजर करवा देते, नहीं तो खंडवा जाओ। कल ही बोल रहे थे कि 5000 देते हो तो 5000 अगर देते, अगर 5000 रुपए तो तत्काल में आपकी जांच भी होगी और इलाज भी होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या है? और उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोपाल, अगर इसको पूरी तरीके से देखा जाए तो इस घटना में किसकी गलती मानी जा सकती है, डॉक्टरों की या स्टाफ नर्स की या अन्य की? मनीष जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है डॉक्टरों ने जो है कोई इंजेक्शन दिया हो, किसी की मौत हो गई हो जी। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार जो है पेशेंट्स को यहाँ पर यदि कोई पैसा नहीं दिया जाता या किसी प्रकार से कोई रिश्वत नहीं देता है तो उसे खंडवा रेफर करने की बात की जाती है, जिसकी शिकायत कई बार जो है बुरहानपुर जिला प्रशासन को की गई है, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार से अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हो पाई। यदि हम बात करें जिस तरह से आज की जो घटना है जिसमें जो है पेशेंट के परिजनों से जो पैसा मांगा गया था, राशि मांगी गई थी, लेकिन नहीं देने पर जो है बाहर से कोई एनेस्थेसिस्ट वहां पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते जो मरीजों का कहना है, जो परिजनों का कहना है कि जिस तरह से किसी अन्य डॉक्टर ने यहां पर इंजेक्शन लगाया जिसके बाद जो है प्रसूता की मौत हो गई और इसकी शिकायत करने वो कलेक्टर के पास पहुंचे। हालांकि अस्पताल में काफी हंगामा चलता रहा, पुलिस ने बीच बचाव कर जो है परिजनों को समझाइश देकर जो है रवाना किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर भव्य मित्तल से इसकी शिकायत की गई है। अब देखना होगा आखिरकार किस तरह की कार्रवाई हो सकती है मनीष। लेकिन सवाल यह है कि कलेक्टर कार्यालय में जब शिकायत की गई है कलेक्टर भव्य मित्तल से, तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है कि जो जिन लोगों ने लापरवाही की है क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी या ऐसे ही सब चलता रहेगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से अब शिकायत की गई है कलेक्टर भव्य मित्तल ने भी आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर इसमें जांच की जाएगी, एक जांच दल बनाया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार से कोई डॉक्टर की यदि गलती हुई तो उसके उसके खिलाफ जो है नियमानुसार निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको बुरहानपुर से बता दें जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर महिला एक गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगाने के बाद लगाया गया और उसके बाद में गर्भवती महिला और उसके पेट में पड़ रहे बच्चे दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में हंगामा किया, कलेक्टर कार्यालय में भी शिकायत की है। देखना होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।